नमस्कार बच्चों, लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था हमने बटा दी सिलिकॉन्स इक्विलिब्रेशन प्रोसेस क्या होता है, सिलिकॉन्स कितने पॉलीमर शो करता है, और फोस्फाजेन क्या होता है। जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, फोस्फाजेन दैट बैकबोन ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन आर इन अल्टरनेट बॉन्ड, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट उसके साथ साथ जो फॉस्फोरस टू अनदर ग्रुप के साथ अटैच होता है उसको हम फोस्फाजेन बोलते हैं। ठीक है, कैसे वो प्रिपेयर होता है वो हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ लीनियर पॉली डाइक्लोरोफोस्फाजेंस, यानी कि जो हमारे पास रिएक्शन शो करते हैं फोस्फाजेंस वो किस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं। अगर हम रिएक्शंस की बात करें, पॉली डाइक्लोरोफोस्फाजिन वरायटी ऑफ ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है। वरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूक्लियोफाइल सोडियम साल्ट लें, अल्कोहल का सोडियम साल्ट के साथ दैट कैन रिएक्ट, फिनोल के साथ रिएक्ट वो कर सकता है, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्टेड कर सकता है वो। रिएक्टेड क्यों करता है? क्योंकि दैट कंटेन हाईली रिएक्टिव फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड इन विच द क्लोरीन कैन रिप्लेस बाय एनी अनदर न्यूक्लियोफाइल, जिसके अंदर क्लोरीन किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस हो सकता है। दैट रिएक्शंस शोन बाय दी फोस्फाजिन्स। अगर हम रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शंस किस तरीके की होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो ट्राईक्लोरोफोस्फाजिन जो हमारे पास है, ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर है हमारे पास फोस्फाजिन का, जब हम इसको 250 डिग्री पे रिएक्ट करते हैं इट कैन चेंज इंटू लीनियर चेन, यानी कि 250 डिग्री पे, जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस किया स्टोक पॉलीमर, स्टोक क्रॉस लिंकिंग फोस्फाजिन्स। ठीक है, तो अगर हम लीनियर चेन पॉलीमर को रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल दैट कन सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल दैट इट कन्वर्टेड इनटू इथोक्साइड्स, इट मींस क्लोरीन आर रिप्लेस बाय ओआर ग्रुप। इन द सिमिलर मैनर अगर हमारे पास लीनियर चेन दैट रिएक्टेड विद, अगर ये रिएक्ट कर जाता है किसी आरएम यानी कि मेटल अल्काइल के साथ, देन इट कन्वर्टेड इंटू वन ऑफ द क्लोरीन रिप्लेस बाई अल्काइल ग्रुप, इसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप रिएक्ट रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन के साथ। इन द सिमिलर मैनर एज यू से शो, देखो यहाँ पे जो रिएक्शन हमने शो करी है, इट कैन रिएक्ट विद प्राइमरी अमीन, जब ये प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है वन ऑफ द हाइड्रोजन, इट मीन्स देन रिमूवल ऑफ एच सी एल बाहर निकल जाएगा दैट कंबाइन विद क्लोराइड एंड एन एच आर ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच विद फॉस्फोरस, इट मीन्स यू कैन से हेयर क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल दैट इज एमीन्स, एमीन के साथ ये रिप्लेस हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट जो हमारा पास टॉपिक है इसका, ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सिट्यूटेड साइक्लिक फॉस्फाजिन्स, इट मीन्स इसका क्या मतलब है, जब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक सब्सिट्यूट यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सिट्यूटेड साइक्लिक फॉस्फाजिन अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर वी टेक फ्लोरीन इन स्पाइट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की जगह हमने फ्लोरीन लिया हुआ है, जब ये ऑर्गेनोमेटेलिक के साथ रिएक्ट करता है देन वन ऑफ द फ्लोरीन इज रिप्लेस बाय फिनाइल ग्रुप एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इंटू लीनियर चेन, ये कन्वर्ट हो जाता है लीनियर चेन के अंदर। आफ्टर दैट इट रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, जब ये सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है देन फ्लोरीन आर रिप्लेस बाय ओ आर ग्रुप। ठीक है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सिट्यूटेड रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सिट्यूटेड रिएक्शन। इन द सिमिलर मैनर अगर हमारे पास थ्री चेन ट्राई साइक्लिक चेन होगी, इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू टेट्रा साइक्लिक, इट मीन्स जिसके अंदर चार टेट्रासाइक्लिक फोस्फाजीन हो, यानी कि चार फोस्फाजीन हो उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें ट्राइमर इज कन्वर्टेड इनटू टेट्रा, इट कैन शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक फोस्फोनाइट्राइलिक हेलाइड्स, प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, एयर प्रॉपर्टी का मतलब ये है किस तरीके की रिएक्शन वो शो करता है किसी दूसरे के साथ, और अगर हम उसको हीट करते हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, दैट कम्स अंडर प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोनाइट्राइलिक हैलाइड्स, ये सब हमारे पास प्रॉपर्टी के अंदर आता है। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम साइक्लिक ट्राइमर
या फिर टेट्रामर को हीट करते हैं 150 से 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जो हमारे पास इट कैन पोलीमराइज टू इलास्टिक मास विद हाई मोलिकुलर वेट, यानी कि ट्राइमर और टेट्रामर इट कैन, जब हम उसको हीट करते हैं 150 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हम रिएक्शन करते हैं, इट कैन कन्वर्टेड इनटू लीनियर चेन, लीनियर चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है दैट हैव मोलिकुलर वेट, जिसका मोलिकुलर वेट 20,000 से ज़्यादा है। ये पहली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, किस तरीके की रिएक्शन वो शो करता है, किस तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी है, जब हमको हीट करते हैं उसके ऊपर क्या रिएक्शन होती है, अगर हम किसी और के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये किस तरीके की रिएक्शन शो करता है, दैट इट्स कॉल, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक फॉस्फोनाइट्राइलिक हैलाइड्स। अब यहाँ पे आप देखो, जो हमने ट्राइमर लिया हुआ है, ट्राइमर को अगर आप हीट करते हो 350 डिग्री सेल्सियस पे, इट कैन कन्वर्टेड इनटू लीनियर चेन, लीनियर चेन फॉस्फाजीन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें जो हमारे पास क्लोरीन एटम है इन फॉस्फोनाइट्राइलिक कंपाउंड, चाहे वो लीनियर चेन है चाहे वो साइक्लिक चेन है, दैट आर हाईली रिएक्टिव, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करता है। वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है, वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे हमसे है कि भी क्लोरीन अपने आप को रिप्लेस कर सकता है किसी अनदर ग्रुप के साथ। अब यहाँ पे आप देखो, देर आर नंबर ऑफ रिएक्शन शोन बाय दी ट्राइमर, जो साइक्लिक ट्राइमर है जिसके अंदर क्लोरीन हमने लिया हुआ है, इट कैन शो वैरायटी ऑफ रिएक्शन। वैरायटी ऑफ रिएक्शन का मतलब दे कैन न्यूक्लियोफाइल, हमने यहाँ बहुत सारे लिए हुए हैं, जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं ट्राईसाइक्लिक एंड रिप्लेस क्लोरीन बाय अनदर ग्रुप। अगर हम सोडियम मिथोक्साइड की बात करें तो मिथोक्साइड ग्रुप रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, इसी तरीके से अगर हम KSO2F के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, देन क्लोरीन आज रिप्लेस बाय फ्लोरीन, ठीक है। थायोसाइनाइड के बाद अगर हम बात करें तो दैट कन्वर्टेड इन थायोसाइनाइड, क्लोरीन इज रिप्लेस बाय थायोसाइनाइड व्हेन इट रिएक्टेड विद सोडियम थायोसाइनाइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है। सिमिलरली जब ये साइक्लिक ट्राइमर रिएक्ट करते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, देन क्लोरीन आर रिप्लेस बाय फिनाइल ग्रुप, ओके। इस तरीके की रिएक्शन, इस तरीके की प्रॉपर्टी ये शो करता है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर, क्या रिएक्शन शो करता है फॉस्फोनाइट्राइलिक कंपाउंड। जो अगर हम क्लोरीन एटम की बात करें, फॉस्फोनाइट्राइलिक कंपाउंड हाईली सेंसिटिव टू मॉइस्चर, मॉइस्चर में वेरी सेंसिटिव है, एज अ रिजल्ट इन मॉइस्ट एयर, एयर की प्रेजेंस में, क्योंकि एयर की प्रेजेंस, एयर के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट भी प्रेजेंट होते हैं, इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ये शो करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि भाई ये रिएक्शन करेगा कोई अनस्टेबल कंपाउंड, एक स्टेबल कंपाउंड ये फॉर्मेशन करता है, इन विच द क्लोरीन आर रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हमारे पास क्लोरीन होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, एंड दैट अंडरगो आइसोमेराइजेशन, देन वो क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब टोटो आइसोमेरिज्म, इन विच द हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू डिस्प्लेस अनदर, एक से दूसरे पे क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है, रिएक्शन विद अमोनिया। जब हमारे पास ट्राईसाइक्लिक फॉस्फाजीन रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, एक्सेस अमोनिया की अगर हम बात करें, देन क्लोरीन इज रिप्लेस बाय एमाइन ग्रुप, यानी कि एमाइन ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, दैट अंडरगो रिमूवल ऑफ अनदर अमोनियम, दूसरे अमोनिया आयन के रिप्लेस करते हैं, एंड इट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फेम, दैट इज कॉल्ड द थर्ड, जो हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट जो हमारा बना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फेम। आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू, जब हम कॉन्टिन्यू रिएक्शन को करते हैं, इट कन्वर्टेड इनटू P3N5, ये कन्वर्ट हो जाता है, ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस, सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर हो जाते हैं, एंड इट कन्वर्टेड इनटू P3N5। अब कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ ट्राईसाइक्लिक फॉस्फाजीन रिएक्ट विद अमोनिया और क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा,
क्लोरीन इज रिप्लेस बाय एमाइन ग्रुप, यानी कि NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। इट इज़ जस्ट अ सब्सिट्यूशन रिएक्शन, एक तरीके से सब्सिट्यूशन हो रहा है क्लोरीन का एमाइन के साथ। दैट फर्दर रिएक्शन, यानी कि अगर हम रिएक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, इट कन्वर्टेड इनटू रिमूवल ऑफ अमोनियम आयन, ये दोबारा अमोनियम आयन रिमूव कर देता है। दैट फर्दर रिएक्शन इट कन्वर्टेड इनटू रिमूवल ऑफ एच, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल दोबारा होगा, एंड इट कन्वर्टेड इनटू P3N5। ओके, तो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ट्राईसाइक्लिक फॉस्फोजिन। आज हम ट्राईसाइक्लिक फॉस्फोजिन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे हमारे पास फॉस्फोजिन हो, वेदर साइक्लिक और एसाइक्लिक, कंटेन फॉर्मली अनसेचुरेटेड ग्रुप, हमारे पास अनसेचुरेटेड ग्रुप होता है 2 कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन एटम एंड 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस एटम, यानी कि जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है दैट आर 2 कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन एटम और 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस एटम होता है। ठीक है, साइक्लो इज कैरेक्टराइज बाय बॉन्डिंग अरेंजमेंट इन विच सिग्मा बॉन्डिंग फ्रेमवर्क यूजेस द 4 ऑफ 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस एंड 2 ऑफ द 5 शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन एटम। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉस्फोरस एंड 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन आर लेफ्ट ऑन द एटम एज शोन। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात करें, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में जो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर जो फॉस्फोरस एटम है वो 5 में से 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अपने यूज़ करता है बॉन्डिंग के लिए, जिसके अंदर वो 2 तो नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट होती है और 2 हैलोजन एटम के साथ। उसी तरीके से जो हमारे पास नाइट्रोजन एटम होता है, नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट टू, जिसे हमने लिखा है 2 कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन एटम, यानी कि 2 कोऑर्डिनेटेड होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, उसी तरीके से फॉस्फोरस अपने 5 में से, यानी कि नाइट्रोजन 5 में से 2 का यूज़ करता है कोऑर्डिनेटेड सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, और फॉस्फोरस यूज़ करता है 4, तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और फॉस्फोरस के पास अनहाइब्रिडाइज 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसा हमने शो किया यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर हमने 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, बट इट रिमेन 3 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर एंड 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन आर रिमेन अनऑक्यूपाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर, अगर आपके पास एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईसाइक्लिक, हमने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है ट्राईसाइक्लिक का, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, जो हमारे पास फॉस्फोजीन होती हैं एक्सप्लेनेशनली एक्सेप्शनली स्टेबल, यानी कि प्लानर रिंग होती है और बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, एक्सेप्शनल यानी कि एक्सेप्शनली स्टेबल होती है। वो स्टेबिलिटी क्यों होती है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से उसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो हमारे पास फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस होती है दैट आर शॉर्टर, दैट शॉर्टर का क्या मतलब है कि जो अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें 158 पिकोमीटर होती है, यानी कि जो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास उससे छोटी पाई जाती है फॉस्फोरस नाइट्रोजन का, जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग की अगर हम बात करें उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है एक्चुअल बॉन्डिंग ट्राई साइक्लो के अंदर, ट्राइमर साइक्लो फॉस्फोजीन के अंदर इज लेस एज कम्पेयर टू नॉर्मल। और हमारे पास जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जितने भी एटम हैं, जैसे हमारे पास 3 फॉस्फोरस है 3 नाइट्रोजन है, उन सब की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। अगर हम स्ट्रक्चर की देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई ये पूछे भी स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन करना है ट्राईसाइक्लोफॉस्फोजिन का, सबसे पहले तो प्लानर 6 मेंबर रिंग प्लानर स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कोवलेंट बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो दैट आर लेस, यानी कि शॉर्टर एज कम्पेयर टू प्योरली कोवलेंट सिंगल बॉन्ड जो हमारे पास होता है। उसके बाद फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस सभी के अंदर इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, ट्राईसाइक्लोफॉस्फोजिन के अंदर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, जिसके अंदर अगर हम नॉर्मली PNP यानी कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड की लेंथ यानी कि एंगल की बात करें दैट इज़ 121.6 डिग्री और 118.4 डिग्री होता है NPN के अंदर।
ठीक है, और नाइट्रोजन एटम आर वीकली बेसिक एंड कैन बी डी प्रोटोनेट कैन बी प्रोटोनेटेड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन द फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होते हुए वो लेस बेसिक है, वो बेसिस प्रोटोनेशन उसकी तभी होती है जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब फॉस्फोरस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, अनलाइक एरोमेटिक कंपाउंड दिस ट्राइसाइक्लोफोस्फेन कैन नॉट बी इजिली रिड्यूस, उसको हम इजिली रिड्यूस नहीं कर सकते। रिड्यूस का क्या मतलब है, उसकी रिडक्शन इतनी जल्दी नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसी स्टेबिलिटी है जो उसको रिड्यूस होने ही नहीं देती। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट, ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर था। अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, बॉन्डिंग किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, ट्राइसाइक्लो ट्राइफॉस्फाजीन के अंदर दैट इज अकर्स डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। यानी कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का क्या मतलब है, अगर हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की अगर हम डिस्कस करें या फिर इसको समझने की कोशिश करें, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का मतलब है कि एक ऑर्बिटल किसी एटम का डी यूज़ करता है और कोई दूसरा एटम उसका पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए यूज़ करता है फॉर पाई बॉन्डिंग। अगर हम पाई बॉन्डिंग की बात करें, एक तो हमारे पास एटम डी ऑर्बिटल का यूज़ करता है और दूसरा यूज़ करता है पी का, दैट इज कॉल्ड डी पाई पी पाई मॉडल इन ट्राइस इन साइक्लो ट्राई फॉस्फाजीन। दिट ट्राइमर कंसिस्ट ऑफ प्लानर रिंग स्ट्रक्चर होता है, द बॉन्ड फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल फ्रॉम फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑर्बिटल क्या है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, टू एस पी स्केयर लोब, यानी कि नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट आर एस पी स्केयर, और जो हमारे पास फॉस्फोरस की होती है दैट इज एस पी थ्री लोब्स, यानी कि टू लोब्स जो एस पी स्केयर के हैं, नाइट्रोजन दो यूज़ करता है और फॉस्फोरस फोर लोब यूज़ करता है एस पी थ्री के। द फोर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एटम, टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर यूज इन नाइट्रोजन एंड अनदर टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज विद हेलोजन एटम। यानी कि फॉस्फोरस दो तो नाइट्रोजन के साथ यूज़ करता है हाइब्रिडाइज और दो करता है हेलोजन के साथ। इसका मतलब क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के ऊपर रह गया अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द डी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एटम। एक डी के अंदर रह गया फॉस्फोरस के केस में, अंदर पी के अंदर नाइट्रोजन में क्या रहा, पी के केस में पी ऑर्बिटल इन केस ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके अंदर पाई बॉन्डिंग कैसे होती है, पाई बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन बाय यूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस। इट मीन्स जो हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म होता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बाय यूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस, 3D ऑर्बिटल यूज होता है फॉस्फोरस का और PZ ऑर्बिटल यूज होता है नाइट्रोजन का। दिस ओवरलैप ऑफ 3DXY ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि DXY ऑर्बिटल फॉस्फोरस का नाइट्रोजन के साथ यूज करते हैं PZ ऑर्बिटल, रिजल्ट इन द डी पाई पी पाई बॉन्ड। यानी कि डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है फॉस्फोरस का और PZ ऑर्बिटल हो रहा है नाइट्रोजन का, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्डिंग हो रही है, ऑर्बिटल कौन कौन सा यूज हो रहा है, डी एंड पी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इन DXY ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस विद PZ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। एंड दिस पाई बॉन्ड इज कॉल्ड, दिस ऑर्बिटल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, हिट्रोमॉर्फिक इंट्रैक्शन एंड सूडो एरोमेटिक पाई बॉन्डिंग। इसको सूडो एरोमेटिक पाई बॉन्डिंग एंड हिट्रोमॉर्फिक इंट्रैक्शन। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, देयर आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, एक लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होता है। ठीक है, टुगेदर विद सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैकेंट डी ऑर्बिटल। यानी कि नाइट्रोजन के पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, या तो हो सकता है उसके अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर जाए, देन इट इज कॉल्ड डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, या फिर दूसरी तरीके की एक लोन पेयर है जो वो डोनेट कर दे, अपना लोन पेयर डोनेट कर दे एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस दैट कैन बी DXY और DX²Y², कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको गेव एडिशनल सेट ऑफ पाई बॉन्ड,
एक दूसरा सेट पाई बॉन्ड का हमें मिलता है बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू नाइट्रोजन इनटू अनऑक्यूपाइड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड पाई डैश बॉन्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं, पाई डैश बॉन्डिंग। ठीक है, ये जैसे हमने फिगर में शो किया हुआ है, इट इज शो दी इंट्रैक्शन पाई डैश इंट्रैक्शन। पाई डैश इंट्रैक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एम्प्टी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर डी एक्स वाई के अंदर ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, यानी कि टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हिट्रोमॉर्फिक दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट पाई डैश बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट पाई डैश बॉन्डिंग किसकी वजह से है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन टू द फॉस्फोरस, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट पाई डैश बॉन्डिंग। हिट्रोमॉर्फिक बॉन्डिंग क्या होती है, दैट इज डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, यानी कि पी जेड ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनहाइब्रिडाइज के अंदर, दैट ओवरलैप विद, वो ओवरलैप करता है फॉस्फोरस के 3d ऑर्बिटल के साथ। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड हिट्रोमॉर्फिक बॉन्डिंग। अगर दूसरा मॉडल, एक अनदर टाइप ऑफ मॉडल दीवार और कोवर्कर ने उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, अकॉर्डिंग इसके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, जो डी वाई जेड ऑर्बिटल है विच इज़ परपेंडिकुलर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन इक्वली ओवरलैप विद, वो दोनों इक्वली ओवरलैप कर सकते हैं पी जेड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, वो इक्वली ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज हो जाते हैं टू गिव अ ऑर्बिटल विच डायरेक्टेड टुवर्ड द एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम। वो आपस में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं जो डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड द एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम। दिस ऑर्बिटल कैन इफेक्टिवली, ठीक है, वो इफेक्टिवली क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लोकलाइज्ड थ्री सेंटर बॉन्ड। वो लोकलाइज थ्री सेंटर बॉन्ड अराउंड इच नाइट्रोजन एटम के क्या बनाते हैं, एक लोकलाइज थ्री सेंटर बॉन्ड अराउंड इच नाइट्रोजन एटम। वो नाइट्रोजन एटम के अराउंड एक वो बनाते हैं लोकलाइज थ्री सेंटर लोकलाइज बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फिगर में शो किया हुआ है, पाई इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन ओ पी जेड नाइट्रोजन डी एक्स जेड के साथ भी कर सकते हैं और डी वाई जेड इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ थ्री सेंटर लोकलाइज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरीके से नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम सिस्टमेटिक की बात करें, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट है थ्री सेंटर आइसलैंड पाई बॉन्डिंग जो पी फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस। इस इच फॉस्फोरस से जो हर एक फॉस्फोरस के पास जो क्या होता है, एक नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इच फॉस्फोरस के पास एक नोड प्रेजेंट होता है एंड आइसलैंड मॉडल यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किन किन के ऊपर फैला हुआ था, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्डिंग अबव और बिलो द प्लेन ऑफ ट्राईसाइक्लोफॉस्फाजीन। तो कंक्लूजन क्या है, यहाँ से हम कंक्लूजन कहते हैं, दिस अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आइसलैंड मॉडल। इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, आइसलैंड मॉडल। द आइसलैंड ऑफ पाई करेक्टर आर इंटरप्टेड एज इच फॉस्फोरस एटम। इच फॉस्फोरस एटम के ऊपर ये इंटरप्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन कंटेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑल द एटम, देयर इज नो नोड प्रेजेंट, लेकिन इस केस के अंदर इंटरप्टेड होती है फॉस्फोरस क्योंकि एक यहाँ नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब दिस मॉडल सजेस्ट डी लोकलाइजेशन ओवर सेलेक्टेड थ्री नाइट्रोजन थ्री एटम सेगमेंट ऑफ द रिंग विद नोड प्रेजेंट एट इच फॉस्फोरस एटम, यानी कि हर एक के पास नोड प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस के पास प्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड आइसलैंड मॉडल ऑफ ट्राईसाइक्लोफॉस्फाजेस। दिस मॉडल टेक्स इंटू कंसिडरेशन बोथ हिट्रोमॉर्फिक, दो तरह की बॉन्डिंग होती है, दो तरह की इसके अंदर बॉन्डिंग, हिट्रोमॉर्फिक जिसे हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग विद डी एक्स जेड के साथ, और होमोमॉर्फिक। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हो सकती है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग विद डी वाई जेड ऑर्बिटल, ये वाई जेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग ऑफ, ये सब हमारे पास थी बॉन्डिंग ऑफ ट्राई